बजरंगबली संत का आश्रम समझता है और संत का आश्रम समझ करके और अपना तेज विमान को रोकता है, तेज विमान को करके ऋषि की आश्रम के ऊपर चला जाता है। दूर से काल नेमी देख करके मन में विचार करता है, वो जान रहा था कि बजरंग आ चुका है। बोले भाई तू कौन है? बोले महाराज मैं तो पवन पुत्र बजरंग हूँ। बोले फिर मेरे आश्रम के ऊपर कहाँ जा रहा है? बोले मैं आकाश मार्ग में पकड़ करके रात की रात द्रोणगिरी में जाऊंगा और वहीं से सर जीवन बूटी ला करके मैं लखन को जुआऊंगा। तो बोले फिर मेरे पास क्यों आया है? बोले महाराज मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है। तो बोले प्यास लग रही है लेकिन मेरा एक रिवाज है, इस मेरे आश्रम के ऊपर मेरे पास में भोजन करता है, कोई जल पीता है, कोई बैठता है, वो पहले अपना गुरु का नाम बताता है। बोले महाराज मैं तो आज तक गुरु खेने बनाई हुई, गुरु है तो वो ही है, जन्म देने वाली है तो वो ही है। तो बोले तू तो बिना गुरु का चेला है, मैं तेरे को नहीं तो जल पियाऊंगा, नहीं आश्रय दूंगा, नहीं तेरे को मैं भोजन पानी करवाऊंगा। तो बोले यार खया मैं तेरा चेला बन जावा खया पारे पड़े तो। बोले मेरे चेलो बन बो चाहो ना। बोले पहली एक काम बताऊंगा वो कर रहा। बोले वो के? बोले ये जो सामने तालाई दिख रही है। बोले हाँ। तो बोले इस तालाई में जा पहली स्नान करके आ और फिर तेरे को मैं गुरु मंत्र दूंगा। उस तालाई के अंदर भक्तों वो विष की तालाई थी, विष की, और उस विष की तालाई में इंद्र का श्राप से इंद्र की अप्सरा वो उसके मायने मगरी का रूप बना करके पढ़ करके अपनी योनी भोग रही थी और उसे इंद्र श्राप दिया उसी दिन बता दिया था। अप्सरा ने बोलो महाराज श्राप तो दे दियो इंद्र, पर मन या बता कि मेरी मुक्ति कन्नाड़ होगी और मन यो रूप वो जो कन्नाड़ है मिलेगो। बोलो तूने यो जन्नाड़े मिलेगो, जन्नाड़े तरेता में जाकर के और लक्ष्मण के शक्ति लागेगी, माता सीता को हरण होएगो और जब बजरंगबली बूटी लावा जाएगो और काल नेमी बैका करके स्नान और जल पीने के लिए विष की तालाई में भेजेगो और वह तेरा शीश के मारो वो बजरंगबली को पग धरियो, जन्नाड़े तेरो उद्धार हो जाएगो और जन्नाड़े तेरो असली रूप। तो ये काम जरूर करिए, अकबर डूंगी बाबा जी बैठो रहे ना उनको भेद बोलो बजरंग ने तू जरूर भी बताओ। और जब बजरंग बली ये सुन करके और भक्तो एक उस विष की तालाई की तरफ चलता है और जाकर के बजरंग बली जय श्री राम बोलता है और उस तालाई के अंदर एक पैर पहली जल में धरता है और जल में धरते ही और एक मगड़ी के शीश के ऊपर धरा जाता है और एक पराक्रम माया पैदा होती है। तो कैसे हो रही थी, किस प्रकार से बजरंग बली सोच रहा था। अरे मगरी पैरा के लिपट गई रे
बड़बाली चूक अर सराप छो इंदर कोर मकरी को वोई वे गो रूप असी सोमनी सामे खड़ी रखे पड़े रूप की चूक येरे बजरंग बोलो काटो बीच में अटक गो का नहाते अर मैं ब्रह्मचारी मेरे दोष लागे दिन की वे जाए रहाते ये रे बजरंग पीछा में सटके गए से मगरी इंद्र की अप्सरा थी वैसा ही रूप लेकर के प्रगट हो जाती है और प्रगट हुई बजरंगबली देखो और बजरंगबली पांच पाउंडा पीछे हट गया हाथ जोड़ करके कहता है कि हे माता तू कौन है जो मेरा रास्ता के अंदर सामने खड़ी हुई है मैं बाल ब्रह्मचारी हूं अगर तेरी छाया मेरी परछाया के अंदर पड़ जाएगी बहुत जोर के अन्याय हो जाएगा मगरी ने कहा कि मैं पौर्वा जन्म में इंद्र की अप्सरा थी लेकिन मेरे दिल के बेईमानी के कारण मुझे इंद्र श्राप दे दिया था और इंद्र को श्राप देने के बाद मैं पूछा कि मेरा मोक्ष कद होगा बोलो बजरंगबली आएगा और बजरंगबली आकर के काल नेमी का चक्कर में इस विष की तालाई के अंदर और वो तेरा शीश पर पग धरेगा जब तेरा उद्धार होगा महाराज अब मेरा उद्धार हो गया तो बोलो अब तेरो तो उद्धार हो गो पण बोलो मैं आयोजो कार्यो मेरो भी सफल है कोना है तब ये सुनकर के मगरी कहती है कि तेरा कार्य सफल नहीं होगा तू चक्कर के अंदर भ्रमत होकर के चक्कर काट रहा है और ऐसे ही चक्कर काटा जाएगा तेरे को दिन उग जाएगा और दिन उग जाएगा तो द्रोणगिरी में नहीं जा सकेगा नहीं तू मोटी ला सकेगा तो बोलो क्या बात है बोलो ये बाबा जी का चक्कर मनाओ यो बाबा जी कौन से तो बोले ये तो डूंगी है डूंगी और ये रावण का मामा है काल ने भी और ये तेरा टाइम खराब करने के लिए और तेरे को यहाँ तेरी बदनामी करने के लिए बैठा हुआ है अगवा खया दिन उगे अर दिन उगे तो लखन बचे पुण्य ये तेरा केवल समय बिताने के लिए बैठा है
और बोलो लेना देना क्यों ही। और तब ये सुन करके बजरंग जय श्री राम बोल करके वापस बाउड़ता है और वापस बाउड़ करके अर्जुन बाबा जी के बोलो कर आयो स्नान जान गो काल में भी अगर बिस की ताड़ाई मा जीव तो आगो तो बोलो छोड़ तो नहीं भी। बोलो स्नान कर लिया। बोलो महाराज स्नान तो कर आयो तो बोलो आप बताओ गुरु मंत्र तेर लो। और जब काल नेमी के नजदीक जाता है और काल नेमी को सीनो आलवा के और बजरंग जय श्री राम बोलता है और जय श्री राम बोल करके और थोड़ा सा पूंछ का आकार बढ़ाता है और पूंछ का आटा में दे करके जय श्री राम बोल करके आकाश मार्ग से चलना शुरू कर देता है। और भक्तों चलता चलता जो ही अपनी पीठ को लंका की तरफ घुमाता है और लंका की तरफ घुमा करके और काल नेमी को उठा करके और लंका के समीप फेंक देता है। और जब लंका की समीप चार काल नेमी पड़े जनाइया जान तो कोई पहाड़ टूट गया नहीं। और जब दिशानंद रावण रावण जैसा पंडित संसार में कोई भी नहीं लेकिन कर्म के अनुसार वो राक्षस योनि भोग रहा था। और जब रावण बड़े बेताचारी था जब रावण अपनी दृष्टि से देखता है तो काल नेमी मामू पड़ो निगा जना काल नेमी ने देख गया नहीं। और रावण भी जान गो अकबिया सड़ा दिन प्रतिदिन दिन तेरो सांकड़ो हाथ। फिर रावण अपना जतन बनाता है चार चार गुप्तचर बुलाता है और चार गुप्तचर बुलाकर कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी जाओ। और बजरंग नहीं पूछवा से पहली वैद्य सचिन ने बताया था कि जो संजीवनी बूटी है वो पर्वत के अंदर तेरे को चमकती और चस्ती मिलेगी। तब रावण ने उपाय सोची कि मैं सारा पहाड़ का आग लगा दूंगा तो फिर बजरंग बूटी कैसे लेकर के जाएगा। चार गुप्तचर बुलाकर कहता है कि तुम जाओ और बजरंग जाबा से पहली द्रोणगिरी का आग देखांगा। बोलो देखा शक्ति कतनी से बजरंग बली में कैसी बूटी देख रहा नहीं जाएगा। और अब चार गुप्तचर जाते हैं और बजरंग जाने से पहली और जाकर के द्रोणगिरी का आग लगा देते हैं। और जब बजरंग चलता चलता एक द्रोणगिरी के पास में जाता है और सारा पहाड़ को झुकता हुआ देखकर और एक बजरंग खड़ा होकर के और एक हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है और एक बजरंग कहता है तो क्या कह रहा था किस प्रकार से सोच रहा था।